आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। आज हम स्वाधीनता सेनानी सरदार सिंह राव जी राणा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 25 मई 1857 को हुआ था। राव जी राणा पेरिस इंडियन सोसाइटी के संस्थापक सदस्य और इंडियन होम रूल सोसाइटी के उपाध्यक्ष थे। राव जी राणा का जन्म 10 अप्रैल 1870 को गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था। हाई स्कूल के दौरान महात्मा गांधी के सहपाठी राव जी राणा ने पुणे के फर्गुसन कॉलेज में पढ़ाई की, जहां वे लोकमान्य तिलक और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के संपर्क में आए। वो स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए तब प्रेरित हुए जब उन्होंने 1895 में पुणे में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में स्वयं सेवा की। लंदन में कानून की पढ़ाई के दौरान राव जी राणा श्याम जी कृष्ण वर्मा और भीकाजी कामा के संपर्क में आए। उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना में भी सहायता की। 1899 में राव जी राणा पेरिस चले गए और वहां लाला लाजपत राय सहित भारतीय राष्ट्रवादी राजनेताओं के संपर्क में आए। 1905 में राणा इंडियन होम रूल सोसाइटी के संस्थापक सदस्य बने। मुंशी शाह बुजोरजी गोदरेज और भीकाजी कामा के साथ मिलकर उन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। राणा ने दिसंबर 1905 में द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के अंक में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और अकबर के नाम पर भारतीय विद्यार्थियों के लिए 2,000 रुपए की 3 छात्रवृत्तियों की घोषणा की। राव जी राणा ने कई तरह से भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान किया। मदन लाल ढींगरा ने 1909 में कर्जन वायली की हत्या के लिए राव जी की ही पिस्तौल का उपयोग किया था। राणा ने प्रतिबंधित पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस प्रकाशित करने के लिए विनायक दामोदर सावरकर की भी सहायता की थी। लाला लाजपत राय ने 5 वर्ष तक उनके घर में रहने के दौरान ही अपनी पुस्तक अनहैपी इंडिया लिखी थी। राव जी राणा ने मॉस्को में बम बनाने के प्रशिक्षण में सेनापति बापट की सहायता की थी। उन्होंने जर्मन रेडियो पर श्रोताओं को संबोधित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस की भी सहायता की थी। राव जी राणा ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में भी सहयोग किया। राव जी राणा ने फ्रांसीसी और रूसी सोशलिस्ट आंदोलनों के साथ भी निकट संपर्क बना लिए थे। वे भीकाजी कामा के साथ 18 अगस्त 1907 को स्टटगार्ट में दूसरी सोशलिस्ट कांग्रेस में भी शामिल हुए थे, जहां कामा ने फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस प्रस्तुत किया था। राणा पेरिस से प्रकाशित बंदे मातरम और बर्लिन से प्रकाशित द तलवार में नियमित रूप से लिखते थे, जो चोरी छिपे भारत भी भेजे जाते थे। राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण फ्रांस की सरकार ने 1911 में राणा को निष्कासित कर दिया। फ्रांस की सत्ता के दबाव में पेरिस इंडियन सोसाइटी की गतिविधियों पर भी रोक लगानी पड़ी और आखिरकार 1914 में निलंबित कर दी गई। राणा को अपने पुत्र और पत्नी के निधन का दुख सहना पड़ा और उसके बाद वो सार्वजनिक जीवन से विमुख हो गए और स्वतंत्रता के उपरांत 1948 में भारत लौट आए। गुजरात के वेरावल में 25 मई 1957 को राणा का निधन हो गया। उन्हें 1951 में फ्रांस की सरकार ने सम्मानित किया। महान राष्ट्रवादी राव जी राणा को शत शत नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानी काजाओ उर्फ पुखरांबा का भी स्मरण कर रहे हैं। वो मणिपुर के कांगामोंग के निवासी थे। मणिपुर के किले पर ब्रिटिश सेना के हमले के दौरान 24 मार्च 1891 को काजाओ ने ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट ग्रिम वुड की हत्या कर दी थी। अंग्रेजों ने काजाओ को गिरफ्तार कर लिया और 25 मई 1891 को किले के पश्चिमी द्वार पर उन्हें फांसी दे दी। शहीद काजाओ को हमारा शत शत नमन। Yeah.
स्वतंत्रता सेनानी हिरांग खोगजा को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1891 में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। खोगजा मणिपुर के हिरांग गांव के निवासी थे। आंग्ल मणिपुर युद्ध के दौरान 25 मई 1891 को खोंगजोंग मैदान में खोगजा वीरगति को प्राप्त हुए। महान शहीद हिरांग खोगजा को नमन। और इसके साथ ही आज की कड़ी संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग लेकर फिर मिलेंगे कल एक नई कड़ी के साथ।